लो जी क्या पढ़ाई करेंगे क्या बोल रहे हैं बाकी आ, 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 आ। क्लास होगी आज ऑफ कोर्स होगी क्लास में नहीं तो आया हूँ यार कल एक्चुअली थर्सडे था ना थर्सडे ऐसे यूजुअली पावर कट होता भी है पुणे में बट इतना लंबा नहीं होता है कल तो यार पूरे दिन हम लोग परेशान हो गए कल Uh, किसी के भी एग्जेक्यूटिव प्रोफेशनल ईटी कोई से भी लेक्चर नहीं है इनफैक्ट मेरा चिराका दोनों के कल सारे लेक्चर्स ही गए हां जी सरा करे शुरू करें या सो so, पहले मिनिस्टर्स के नाम देख लो चार वो एक बार खत्म कर लेते हैं और अच्छा एक काम करो है मिनिस्टर्स वाला पार्ट ना थोड़ा सा मैं लास्ट में ले लेता हूँ आज एटलीस्ट पहले अपन लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक तक मैं चाह रहा था एक्चुअली लैंग्वेजेस स्पोर्ट वाला पार्ट अपना आज खत्म हो जाए सो लेट्स फिनिश इट टिल दे और बाकी फिर ये मिनिस्टर्स वाला पार्ट अपन लास्ट में देख लेते हैं हाँ जी अब क्या तुम्हारी अटेंडेंस एकदम जबरदस्त वाली श्रिंक होती जा रही है सो बिफोर यू गो टू बिल्कुल पॉइंट जीरो है ना लेट मी जस्ट रैप अप द पोर्शन फटाफट इसको ख़त्म कर लेते हैं सो इफ थिंग्स आर कन्वीनियंट मेरे हिसाब से मैं सोच रहा हूँ संडे को आई थिंक मुस्कान मैम भी ले रहे हैं सो so, मुस्कान मैम का जैसा भी टाइम स्लॉट रहेगा उसके हिसाब से भी एडजस्ट आर टाइम ऑल्सो एंड कोशिश करते हैं इसको संडे तक खत्म करने की है ना बिकॉज बहुत ज़्यादा बचा नहीं है और बात का पोर्शन जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी सिंपल है तो so, अब तो ये बहुत बेसिक बेसिक वाला है सो so, लेट्स डू दैट संडे मंडे तक एटलीस्ट अपन लोग पोर्शन खत्म करने की कोशिश करते हैं ना मतलब बहुत ज्यादा वैसे भी नहीं है आई थिंक हो जाएगा एल आर के Vajvoh, sir, और मैं आपको अपडेट करता हूं हाँ जी सो बिजनेस पर्सनैलिटीज एंड लीडर्स इन न्यूज हम लोगों ने कल ये पोलिटिकल लीडर्स के बारे में पढ़ा था जहां पे आपने दो लीडर्स के बारे में पढ़ा था नरेंद्र मोदी और दूसरा डोनाल्ड ट्रंप और अब ये यहां से आगे जो देख रहे हैं बिजनेस पर्सनैलिटीज एंड लीडर्स इन न्यूज सो फर्स्ट इज दिस हाउ डी मोदी शेय ड्रीम्स ब्राइट फ्यूचर अच्छा मैं ख्याल लास्ट सेशन में हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे इनफैक्ट उसके पहले भी जो सेशन था उसमें मैं बात कर रहा था कि uh, जब ये इवेंट हुआ था 2019 में सितंबर 2019 में हुआ था तब uh, बहुत हल्ला हुआ था इसका मतलब इट वाज अ वेरी वेरी नाइस पॉलिटिकल मूव विच वाज एक्चुअली डन बाय डोनाल्ड ट्रम्प बिकॉज यूएस हैज़ अ लॉट ऑफ वोटर्स हु आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक काफ़ी सिग्निफिकेंट परसेंटेज है वोटर्स का एंड ऑब्वियसली जितने मतलब जितना भारत में मोदी जी की रिस्पेक्ट नहीं ना उसे मिलियन टाइम ज़्यादा रिस्पेक्ट इंडिया के बाहर है ही गोज टू एनी कंट्री यू विल फाइंड दैट ही सराउंडेड विद इंडियंस वो सब जगह भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं सो so, उनका एक क्रेजी लेवल का फैन फॉलोइंग है सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस पोलिटिकल वेंडेटा विच ही एक्चुअली मूव एट दैट टाइम उन्होंने मोदी जी को इन्वाइट किया और एक बहुत बड़ा इवेंट किया वो साल में है ना बहुत ही जबरदस्त इवेंट किया जिसमें सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हुए काफ़ी कल्चरल एक्सचेंज हुआ और दोनों हाथ मिला के गले वाले मिलके और अपने मोदी जी तो एक्सपर्ट है भाई जहाँ जाते एकदम जबरदस्त तरीके से चिपक जाते गले वाले लग जाते हैं तो वो पूरा का मेरा इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उसका पर्पज़ ये था कि आ, इंडियंस को और कॉन्फिडेंस आए यू you नो know, कि बिकॉज बोथ द लीडर्स ऑफ द कंट्री दे शेयर वेरी गुड रेपो दे शेयर वेरी गुड रिलेशनशिप सो इट विल बी ईजी फॉर इंडियंस ऑल्सो हु विश टू ट्रेवल अवार्ड हु विश टू स्टे इन द यू एस राइट उनके लिए अच्छा रहेगा जैसे वीज़ा का यू एस का थोड़ा इशू रहता है ग्रीन कार्ड को लेके काफ़ी सारे कंसर्न्स रहते हैं फिर बीच में कोई भी नई गवर्नमेंट आती है तो हमेशा वीजा के रूल्स बदल जाते हैं चेंज हो जाते हैं तो वो सारी चीज़ों की अनसर्टिनटी को अवॉइड करने के लिए ये थाट ये इवेंट उस वक्त किया गया था हाउ डी मोदी सो so, कहां पर हुआ था देखो जरा दिस इवेंट हैपन्ड ऑन ट्वेंटी ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन ऐट होसान यहाँ पर ये इवेंट हुआ था और इस इवेंट का मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव ये था कि यू शो द इम्प्रूवड रिलेशनशिप और यू नो द द स्ट्रॉग रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द गवर्नमेंट्स अच्छा जैसे आप पहले अगर आपने थोड़ा बहुत इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप uh, या आप डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात करोगे सो so, uh, जब हम लोगों ने परमाणु टेस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था बिल क्लिंटन वॉज द प्रेजिडेंट देन यू एस के ही इम्पोज अ लॉर्ड ऑफ सैंक्शंस ऑन इंडिया बहुत सारे सैंक्शंस लगाए यू एन में इसको रेस किया गया कि बिना किसी को बताए हुए हम लोगों ने पोखरन आपने मूवी देखी होगी खैर जॉन इब्राहिम वाली सो so, <coughs> बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उस वक्त आए गवर्नमेंट की तरफ से uh, मतलब इंटरनेशनली काफी सारी कंट्रीज पाकिस्तान ने बहुत हल्ला किया चाइना डिड नॉट अप्रिशिएट दैट पार्ट कोरिया वाज वन कंट्री जिसने बहुत क्रिटिसाइज किया था इंडिया के उस मूव को बिकॉज दुनिया में किसी को बनाए बिना हम लोगों ने इतना बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था एंड दैट्स हाउ इंडिया बिकेम अ न्यूक्लियर एनेबल्ड कंट्री इवेंचुअली अटल बिहारी वाजपेयी तब भारत के प्रधानमंत्री थे तो uh, उस वक्त इंडिया यूएस के रिलेशन्स बहुत अच्छे नहीं थे इनफैक्ट आफ्टर दैट बिल क्लिंटन विजिटेड इंडिया फिर जॉर्ज बुश इंडिया आए ओबामा तो दो तीन बार इंडिया आए ट्रंप आए एंड आई एम श्योर एक आध साल में जो बाइडन वुल ऑल्सो विजिट इंडिया राइट right? सो so, धीरे धीरे अब आप ऐसे देखोगे ना तो इंडिया की पॉलिटिकल पोजीशन इंटरनेशनली काफ़ी स्ट्रांग है काफ़ी रिकग्नाइज है और आज अगर दुनिया टॉप टेन नेशंस को गिनती है यू नो पावरफुल नेशंस इन टर्म्स ऑफ द इकोनमी इन टर्म्स ऑफ द द न्यूक्लियर पावर और मे बी इन टर्म्स ऑफ द डिफेंस राइट वी आर नाउ रैंक्ड इनफैक्ट टॉप फाइव में अपना नाम कहीं ना कहीं आता है आप ऐसे देखोगे तो अपने से पावरफुल और कौन कौन से देश हैं अमेरिका है रशिया है चाइना है, है ये तीन तो डेफिनेटली अपने से स्ट्रांग है उसके अलावा आप देखो तो टू एन एक्सटेंट फ्रांस है ना यूके uh, स्ट्रॉन्ग है बट मेरे हिसाब से इतने स्ट्रांग नहीं जितना इंडिया है सो so आप ऐसे देखोगे तो वी आर इन टॉप फाइव काइंड ऑफ टॉप फाइव तो ये बेसिकली उसी चीज को सोचकर ध्यान में रखे ये इवेंट किया गया था द इवेंट शो के द हाइट एंड फ्रेंडशिप एंड वॉम्थ बिटवीन द लीडर ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड एंड इंडिया मतलब अमेरिका एंड इंडिया चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट राजनाथ सिंह बिकम्स फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर टू फ्लाई एल सी ए तेजस सो लाइट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट इज एल सी ए सो राजनाथ सिंह इज द डिफेंस मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस नाउ सो उन्होंने बेसिकली एल सी ए तेजस को फ्लाई किया है ना और इनकी सौरती होती है चक्कर लगाते हैं लोग राइट सो so, उन्होंने एक सौरती की एंड ही वॉज अ कंपनीड बाय एयर वाइस मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी सो so, ये उन्होंने बेसिकली किया और कहा से उन्होंने ये बेसिकली राइड ली थी वॉज एच एल बेंगलुरु का जो इनका बहुत बड़ा डिफेंस का प्लेटफॉर्म है बेस है इनफैक्ट काफी बड़ा बेस है रिसर्च भी है और बेस भी है अदरवाइज सो so, वहां से बेसिकली एल सी ए तेजस राजनाथ सिंह ने फ्लाई किया आगे देखते हैं नेक्स्ट हेड कमर्शियल रोल आउट ऑफ जियो फाइबर बाई मुकेश अंबानी आई थिंक समथिंग विच इज़ वेरी वेल नोन इनफैक्ट कल आप लोगों ने टी वी न्यूज़ चैनल्स पर रिलायंस इंडस्ट्रीज की ए जी एम देखी होगी नाउ दैट हैज़ बिकम अ मच स्पोकन मतलब इतना ब्यूटिफुली रिलायंस ने उस चीज़ को मार्केट किया है ना पीपल आर एक्चुअली एक्साइटेड अब जैसे खैर आप लोग इन्वेस्टर कम्युनिटी से नहीं है आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स फैमिली हु कम फ्रॉम इन्वेस्टर कम्युनिटी जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं मतलब स्टॉक्स में सब एक्साइटेड थे रिलायंस की एजीएम मतलब ऐसा था कि भाई कोई ये आपकी शाहरुख खान सलमान खान की मूवी रिलीज हो रही हो इस तरीके से लोग एक्साइटेड थे तो उन लोगों ने इतना ब्यूटीफुल और हर साल बड़े अनाउंसमेंट करती आ आई एल जैसे लास्ट लास्ट ईयर उन्होंने 2019 की जो उनकी ए जी थी उसमें जियो फाइबर के बारे में बताया था पिछले साल उन्होंने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स विद माइक्रोसॉफ्ट गूगल फेसबुक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे बहुत सारे सॉवरेंट वेल्थ फंड्स थे उन सब के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताया इस साल अगेन दे हैव सम न्यू प्लान ऑल टूगेदर तो यू नो मच स्पोकन थिंग तो ये बेसिकली 2019 की उनकी जो एजीएम हुई थी उसमें जियो फाइबर रिलायंस ने लॉन्च किया था है ना सो जियो फाइबर इज बेसिकली ऑप्टिक फाइबर केबल फाइबर है uh, इंटरनेट की समस्याएं सभी को है uh, आप जो भी इंटरनेट यूज़ करते हो फिर मैं तो यार जियो का यूज़ करता हूँ मतलब बेटर देन बेस्ट अमंग्स द वर्स्ट वो वाली मेरी तो एक ही लाइन आती है वोडाफोन शक्स एयरटेल सक्स जियो ऑल्सो सक्स एट टाइम्स बट इट सक्स लेस सो आई थिंक वो बेस्ट अमंग्स द वर्स्ट वाली बात है हर नेटवर्क का आज प्रॉब्लम है ही बट ये लोग थोड़े से बेटर है सो so अब एक बार फाइबर आ जाएगा क्योंकि आजकल हर चीज इंटरनेट बेस्ड हो गई है यार एवरी थिंग एंड एवरी थिंग यू डू यूनीट इंटरनेट लगता ही लगता है अपने को। तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करता है हाँ जी आगे बुक्स एंड द रथर्स सिंपल टॉपिक है आपको तीन चीजें इसमें ध्यान रखनी है बुक्स एंड ऑथर्स सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है बुक का किसने रिलीज की है ना और उसकी डेट बस सब्जेक्ट क्या है किसने रिलीज की और उसकी डेट क्या थी रिलीज की बस ये तीन चीजें आपको ध्यान रखना सिंपल सिंपल है फर्स्ट देखिए कर्मयोद्ध ग्रंथ कर्मयोद्ध ग्रंथ सो दिस अजेंशली टॉक्स अबाउट यू नो योगा आयुर्वेद उसके बारे में सो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का जो कॉन्सेप्ट बेसिकली मोदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया उसके ऊपर ये पूरी की पूरी आपकी बुक बेस्ड है हाँ जी सो द बुक इन्फॉर्म्स दैट हेल्थ फैसिलिटीज आर बींग प्रोवाइडेड टू पीपल अंडर आयुष्मान योजना विच इज अ डीम प्रोजेक्ट ऑफ नरेंद्र मोदी किसने रिलीज की अमित शाह कब रिलीज की सेवेंथ ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है सो रिलीज बाय अमित शाह ऑन सेवेंथ ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी अबाउट वॉट अबाउट बेसिकली योग आयुर्वेद इन सब चीजों के बारे में इसमें बात की हुई है ठीक है कर्मयुद्ध ग्रंथ सेकेंड turbulence and triumph, right? harjeet basically. now, this book talks about, uh, you know, how modi ji started his journey. so, from a rss worker to becoming the chief minister of gujarat to becoming the prime minister of the largest democracy of the world, right? how his journey has been, how his journey has inspired and influenced the people of this country is uh, about this book, turbulence and triumph. पिक्ट्रल बुक ट्रेस इज द जर्नी ऑफ नरेंद्र मोदी फ्रॉम इज डेज एज ए यंग बॉय फ्रॉम वडनगर इन गुजरात टू दिल्ली न्यू दिल्ली सेवन लोक कल्याण मार्ग एज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ना टर्ब्यूल्स एंड ट्राइम सो ये बुक उनके ऊपर लिखी गई किसने पब्लिश की दिस इज पब्लिश बाय ओम इंटरनेशनल है ना किसने पब्लिश किया ओम इंटरनेशनल ने ये बुक पब्लिश किया दिस आगे देखते हैं सावरकर हिस्ट्री में हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा बट पता नहीं यार मेरे को हिस्ट्री से ना अपने भारत की हिस्ट्री से बहुत मेरे को अलग लेवल की शिकायतें हैं यार आई डोंट नो समहा मैं कभी कन्विंस ही नहीं हो पाया है यार और मैं सोचता हूँ ना तो स्कूल पार्ट पर्टिकुलरली लाइक आई वाज फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड बेसिकली स्टेट बोर्ड तो मैं अगेन यार और एक स्टेप मुझे लगता है थोड़े से पीछे हैं आई सी एस ई गोज़ ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट बट अगर आप सी बी एस ई बोलो जो विच इज़ अ नेशनल बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर एजुकेशन बेसिकली यार क्या आप हिस्ट्री पढ़ाई यार अपने को मतलब मैं अगर हिस्ट्री के बारे में सोचता हूँ ना तो मेडिवल हिस्ट्री अपने को सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया है मतलब हैव नॉट रेड अबाउट राजपूत अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट रेड अबाउट मराठास मैं अब खैर मैं महाराष्ट्र में हूं तो महाराष्ट्र में अगर आप हो ना तो यू रीड यू हियर अ लॉर्ड अबाउट शिवाजी महाराज संभाजी महाराज इनके बारे में आप यहाँ पर आए हो ना तो सुनते हो बाजीराव मूवी आई उसके बाद लोगों ने बाजीराव के बारे में सुना पढ़ा जाना सिर्फ नाम पता था बाजीराव बट बाजीराव के क्या कारनामे थे किसी को पता ही नहीं था यू you नो know? आप झांसी की रानी बोलते हो तो सिर्फ एक वॉर के बारे में हम लोग को झांसी की रानी के बारे में पढ़ाया गया तो आ, चेतक यू नो राणा प्रताप सिंह तो अगेन इतना शॉर्ट मेंशन है ना इतना शॉर्ट मेंशन था इन सब चीजों के बारे में जबकि इनकी इतनी प्रोफाउंड हिस्ट्री और क्या पढ़ा हम लोगों ने अकबर के, के बारे में पढ़ा हुमायूं के बारे में पढ़ा शाहजहां के बारे में पढ़ा औरंगजेब के बारे में पढ़ा लाल बहादुर ये बहादुर शाह जफर इन लोगों के बारे में पढ़ा है यार हम लोगों ने मतलब आई कौन सी हिस्ट्री थी यार वो तो पूरी इट वॉज डोमिनेंस मॉडर्न हिस्ट्री जब हम लोग आए ठीक है वी वर अंडर ब्रिटिश ट्रैप बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया के जो जो फॉरगोन फाइटर्स राइट सुभाष चंद्र बोस मतलब इतना कम मेंशन है ना उनका इंडियन हिस्ट्री में जबकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इमेंस था भगत सिंह के बारे में वो पिक्चर देखी उसके बाद अपन लोगों को भगत सिंह के बारे में इंटरेस्ट आया पढ़ने के बारे में स्कूल में पढ़ा जरूर था यू you नो know? सुखदेव चंद्रशेखर भगत सिंह बट अगेन कभी हम लोगों ने इसको डिटेल में हिस्ट्री में पढ़ाई नहीं तो मेरा तो ऑनेस्टली uh, मैं कल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल यू नो आई वॉज सिटिंग विद समन इनफैक्ट आपका जब ये लेक्चर था ना अपनी इधर तो पावरबुल था सो आई वेंट विथ माई नेबर आई मेट दी आई पी एस येस सो कल मैं उन्हीं के साथ बैठा हुआ था पुणे के आईपीएस हैं ही इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वेरी वेल रेड यार वेरी एजुकेटेड मैन मैं सुबह एग्जीक्यूटिव में भी बता रहा था आईव इनवाइटेड हिम फॉर अ सेशन हियर मतलब आप लोग जब तक एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे सो आई हैव कॉल्ड हिम फॉर अ सेशन हियर कल इतनी इंटरेस्टिंग बातें हुई उनसे सो जब मैंने उनको बताया कि यार आई टीच मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और सी एस के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ लॉ के सब्जेक्ट्स तो उनको बहुत इंटरेस्ट आया सुन के कि यार एक वो यंग टीचर टीचर वाला माइंडसेट अपने यहाँ क्या पचास साल का बुढ़ा सेंटी लेके खड़ा हुआ है तो यू <coughs> नो you know, ही सबके दिमाग में रहता है तो वो बहुत सरप्राइज थे कि यार छोटे लोग भी टीचिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं यू you नो know, सो भारत का यूथ बेसिकली एजुकेट करना चाह रहा है तो कल हम लोग एक डेढ़ घंटा बैठे इनफैक्ट और यही मेन मुद्दा इसी के ऊपर बात हुई कि अनफॉर्चुनेटली अपने यहाँ पे लोगों को यार सिविक राइट्स के बारे में पता नहीं है इंडिया में सिविक सेंस क्या है लोगों को पता नहीं है एज अ सिटीजन आपके राइट्स क्या है आपको पता नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं हम लोगों को पता नहीं है ये तो खैर आई एम श्योर अभी आपने लीगल एप्टीट्यूड में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा चिराग से आपको बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाया होगा वो सब चीजें वी डोंट नो मतलब स्कूल में मैंने सिविक्स पढ़ा मेरे को सच में पता नहीं था इंडिया का पार्लियामेंटेरियन स्ट्रक्चर क्या है तो मैं कल उनसे वही बात कर रहा था कि सर मतलब इतना इंपॉर्टेंट है ना अवेयरनेस क्रिएट करना और ये अवेयरनेस अगर हम सोचें ना कि आप लेटर स्टेज पे करोगे कॉलेज के स्टेज पे करोगे तो इट इज़ रॉन्ग मतलब वो हर बच्चे को पता अच्छा जब आप कॉलेज के स्टेज पे करते हो या किसी प्रोफेशनल कोर्स में आप इंट्रोड्यूस करते हो तो सिर्फ उस पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स को पता चलता है जो सी कर रहे हैं साइंस वाले भी इंडिया में रहता है बायोलॉज मेडिकल वाला भी इंडिया में रहता है राइट उसको भी पता होना चाहिए ना तो ये स्कूल में एक्चुअली है सब्जेक्ट है सिविक्स आपका बट वो सीरियसनेस वो डेप्थ नहीं है उसमें तो आइडियली मैं उनको ये बोल रहा था कि मतलब सर कभी ऐसी ऑपर्चुनिटी मिले जहां पे यू you नो know, वी कैन राइट टू द मिनिस्ट्री मतलब बी वेरी वेरी हैप्पी टू तो शेयर माई थाट्स अबाउट इट कि ये सब चीज़ें एक्चुअली में होनी चाहिए मतलब पीपल शुड हैव है सिविक सेंस तो कल बहुत लंबी और बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही थी उनके साथ मतलब काफ़ी डिस्कशंस हुए सो अब वीर सावरकर इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इंडिया के इंडिपेंडेंस में लोगों को पता ही नहीं अनफॉर्चुनेटली यू नो कि इनकी क्या स्ट्रेटेजी किस तरीके से सोचते थे किसी को पता ही नहीं है तो अच्छा जिस अब महाराष्ट्र यहां के लोगों को थोड़े बहुत लोगों को पता है शिवाजी के बारे में शिवाजी महाराज के बारे में थोड़े बहुत लोगों को पता है बट अगेन इन डेप्थ जो आइडिया होना चाहिए जो है ही नहीं लोगों को पता ही नहीं अनफॉर्चुनेटली सो so, ये बुक बेसिकली विक्रम संपद ने लिखी थी और किसके बारे में दिस इज बेसिकली अबाउट सावरकर यू नो कि उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या योगदान है भारत की आजादी में या सो देखो सर इट इज इनटू टू वॉल्यूम्स ये जो आपकी बुक है ये दो वॉल्यूम्स में है और किसके बारे में इट इज अबाउट विनायक दामोदर सावरकर ने जो पॉपुलरली हम लोग वीर सावरकर बोलते हैं और बस बाकी तो इसमें आप क्या पढ़ो हाँ ये देख लो इट एक्सप्रेसिस एंड एक्सप्लेन्स द इंसिडेंट्स फ्रॉम इज बर्थ इन एटीन एटी थ्री टू हिस्ज कंडीशनल रिलीज टू रत्नागिरी इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर है ना सो so दिस इज अबाउट uh, uh, यह विनायक दामोदर सावरकर आगे देखते हैं नेक्स्ट लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग सो दिस इज बेसिकली रिटर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंसिस बाय द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री प्रेजेंट वाइस प्रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री वेंकैया नायडू सो वेंकैया नायडू ने ड्यूरिंग हिज प्रेजिडेंसी वाइस प्रेजिडेंसी इनफैक्ट दिस ही डिड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी पब्लिक एंगेजमेंट्स मतलब तीन सौ तीस पब्लिक एंगेजमेंट्स उन्होंने ही वॉज अ पार्टिसिपेंट टू तो उन्होंने उन तीन सौ तीस अपने जो अपियरेंसेज थे जो एंगेजमेंट्स थे जो पब्लिक को ऑड्रेस था उसके एक्सपीरियंसेज शेयर किए ना उसके पूरे एक्सपीरियंसेज शेयर किए सो दिस वॉज रिलीज बाय अगेन होम मिनिस्टर अमित शाह थ ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड नाइनटीन एट चेन्नई सो इसके बारे में लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग दिस अबाउट दो थ्री हंड्रेड एंड थर्टी पब्लिक एंगेजमेंट्स विच द वाइस प्रेजिडेंट ऑफ दिस कंट्री हैड उसके बारे में ई बुक लिखी गई आगे विवेकादिपिनी बाय आदि शंकराचार्य हाँ जी अब इसमें क्या है ये पढ़िए सो दिस बुक इज अबाउट एफोरिज्म एफोरिज्म मतलब क्या होती है जो कहावतें होती हैं है ना जिसे हम लोग कहावत बोलते हैं वो बेसिकली एफोरिज्म होते हैं सो so, ये देखिए विवेगादिपिनी इज अ समरी ऑफ प्रश्नोत्तर रत्नमलिका क्वेश्चन आंसर फॉर्म में रिटर्न बाय आदि शंकराचार्य द बुक हैज कंपाइल्ड सेलेक्ट थर्टी सिक्स वर्सेज ड्रॉन फ्रॉम ट्वेंटी सिक्स वर्सेज ऑफ प्रश्नोत्तर रत्नम मलिका है ना सो so, ये बेसिकली क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है और जितनी भी कहावतें होती है राइट right? uh, उसके बारे में ये बुक है अच्छा कितनी लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ टेन लैंग्वेजेस और ये कौन सी दस भाषाएं हैं जिसमें पब्लिश हुई वो दस भाषाओं के यहाँ पर नाम दिया हुआ आपको, है आपको ठीक है सो ये दिस वाज ऑल अबाउट द बुक्स कि कौन कौन सी बुक्स है प्रचलित उसके बारे में था आगे देखते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट ये आपको सेक्शन बहुत ईजी लगेगा बिकॉज इसमें जितने भी वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सब आपने कहीं कही ना कहीं सुनी हुई है चलिए लेट्स रन थू नाउ या फर्स्ट वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला रानी रामपाल विमेन हॉकी विमेन्स हॉकी किसको मिला रानी रामपाल को मिला वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दैट्स इट फुल स्टॉप इतना ही ध्यान रखना है चलो आगे 2019 स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली है ना एंड ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड रोहित शर्मा स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड विराट कोहली ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा है ना बस ये दो नाम आपको ध्यान रखना ये विराट कोहली और दूसरा रोहित शर्मा का भी नाम कहीं तो दिया हुआ है कहा गया या yeah. रोहित शर्मा ओके आईसीएसआई सॉरी आई सी एस बोला आई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 सो दैट वाज वन बाय इंग्लैंड इन अ वेरी नॉकटाई मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड है ना और इंग्लैंड वन द कप uh, बहुत ही क्रेव्ड मैच था अगर आपने देखा हो तो सुपर ओवर तक चला गया था और फिर बस वो बैट से बॉल टच हो गई द फील्डर थ्रू द बॉल और द बॉल टच द बाउंड्री एंड दैट्स हाउ इंग्लैंड वन द गेम सो सेकेंड सुपर ओवर में इंग्लैंड वन द गेम विच वॉज अ वेरी वेरी क्लोज फिनिश सो टू थाउजेंड एंड नाइनटीन क्रिकेट वर्ल्ड कप आठ टीम्स थी है ना और हर चार साल में वर्ल्ड कप होता है सो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ था आपका दो हजार उन्नीस में इसके बाद जो अगला वर्ल्ड कप है दैट है थ्री एंड दैट वॉज वन बाय इंग्लैंड नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन सी डब्ल्यू जी है ना सी डब्ल्यू जी जैसे ही आता ना दिमाग में मेरे दिमाग में सबसे पहले स्कैम ही आता है सो so, दिल्ली में जो आपका कॉमनवेल्थ हुआ था पुणे में हुआ था उसके बाद सो सुरेश कलमाड़ी वॉज गिवन द चार्ज ऑफ मैनेजिंग द इंटायर कॉमनवेल्थ गेम्स उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगे इंक्वायरी बैठी ई डी की इंक्वायरी हुई सी बी आई की इंक्वायरी हुई एंड अ यूथ स्कैम टर्नड आउट आउट ऑफ सी डब्ल्यू जी स्कैम कॉमनवेल्थ गेम्स सो so, किसी भी स्पोर्ट आ, स्पोर्ट का बेसिकली यहां पे क्या होगा ना कि भाई हर स्पोर्ट का एक मेन पर्पस क्या होता है मेन उद्देश्य क्या होता है इज टू ब्रिंग पीपल टुगेदर राइट अच्छा आज हर स्पोर्ट में इमोशन जुड़ा मैं इनफैक्ट अभी व्हेन इंडिया लॉस्ट द फाइनल सो बहुत सारे इंस्टाग्राम की स्टोरीज में देख रहा था इंडिया के बारे में कुछ था एंड न्यूजीलैंड uh, के बारे में था केन विलियमसन के बारे में था मोस्ट लव्ड कैप्टन विद जीरो हेटर्स और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी वेल डिजर्व आई थिंक दे a वेरी गुड फाइट आफ्टर टू डेज ऑफ वॉश्ड आउट गेम तीन दिन में न्यूजीलैंड एक्चुअली वन द गेम विच इज अ वेरी वेरी बिग थिंग अच्छा और इंडिया इज नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग ऑन पेपर्स, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो ऑन ग्राउंड मतलब दिस नो डाउट अबाउट इट इट जस्ट अ बैड डे यू नो सो वो अभी खर में बहुत सारा लोग पड़ रहा था धोनी वापिस आ जा माही वापिस आ जा मतलब रिली really, वो जीवन भर रहने वाला है क्या सो so, इवन मैं खैर मतलब आई हैव बिन अ बिग फैन ऑफ धोनी एंड इज कैप्टनसी एंड हाउ कूल द कैप्टन इज द इज नो डाउट अबाउट इट पर ऐसा नहीं कि बिना धोनी के इंडिया टीम ने परफॉर्म नहीं किया मतलब देव बिन एक्सेप्शनली अमेजिंग देव बिन एक्सेप्शनली गुड ब्रिलियंट सो so, वो है यार कोर्स यार किसी का एक वो एक्सपीरियंस आप उसको क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो जो सचिन ने अपने टाइम पे किया इज अनबीटेबल जो सौरभ गांगुली ने अपने टाइम पे किया वो अमेजिंग था राहुल द्रविड ने जो किया ब्रिलियंट था धोनी हैड हिज ओन स्टार्स तो ऐसा नहीं है सब क्रिकेटर्स का कॉन्ट्रीब्यूट इवन नाउ द टीम इज वेरी वेरी स्ट्रांग विथ विराट कोहली एंड रोहित शर्मा एंड क्रेजी यार मतलब बहुत स्ट्रांग टीम है इंडिया की सो so, किसी भी स्पोर्ट का पर्पस हमेशा क्या होता है इज़ टू ब्रिंग पीपल टुगेदर ऑफ कोर्स एक उस वक्त स्पिरिट होता है जीत रहे हैं हार रहे हैं एक अलग मस्ती होती है झगड़े हो जाते हैं शर्त लगती है तो एक अलग तरीके का फन एक अलग तरीके का स्पिरिट रहता है सो so, देखो जरा सी डब्ल्यू जीज ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम्स एंड कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स एंड फॉर डिलीवरिंग ऑन द विजन ऑफ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स मूवमेंट टू बिल्ड पीसफुल सस्टेनेबल एंड प्रोस्परस कम्युनिटीज ग्लोबली बाय इंस्पायरिंग कॉमनवेल्थ विदगर्ग बगाम स्टार्टेड फ्रॉम यूके सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है यूके में और अगले जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ पर हो रहे हैं बर्मिंगम में है ना इंग्लैंड में बेसिकली जुलाई टू सेवेंथ ऑगस्ट के जो आपके सी डब्ल्यू गेम्स होने वाले हैं कहाँ पर हो रहे हैं बर्मिंग में होपफुली ये हो जाए भाई अभी कोविड ओविड जाए और फाइनली कुछ अच्छा आए चलिए उसके बाद देखते हैं Next, Olympic Games. Hi. So, Olympics basically started from Japan long back in 60s. Uh, there was around 56 years after having organized the Olympic <coughs> excuse me. Olympic Games, the Japanese capital will be hosting a summer edition for the second time from 27th, uh, 24th of July to 9th of August 2020 washed off. So, ओलंपिक गेम्स इन 1964 सिक्सटी फोर रेडिकली ट्रांसफॉर्म दो कंट्री उन्नीस सौ चौसठ में 1964 में ओलंपिक गेम्स हुए थे अब इसमें अगर आप ये पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा ये भी नहीं पढ़ोगे तो चल जाएगा दैट्स फाइन आप सीधे ये वाला पढ़िए जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है जपान हैज बीन एन ओलंपिक लैंड सिंस द समर गेम्स ऑफ नाइनटीन विच वॉ द फर्स्ट टू बी स्टेज इन एशिया सो पहली बार एशिया में जपान में हुए थे इन ट्वेंटी ट्वेंटी द कंट्री विल होस्ट इट्स फोर्थ गेम्स इफ इंक्लूड द विंटर गेम्स ऑफ नाइनटीन सेवेंटी टू इन सपोरोन नाइनटी एट इन नगानो सो इट विल बी द फोर्थ टाइम जब जपैन ओलंपिक गेम्स होस्ट कर रहा होगा है ना विंटर ओलंपिक गेम्स चाइना सो दो हजार बाईस में कहा पर हो रहे हैं बीजिंग चाइना

एंड जैंगी क्वाउ अजीब टाइप के नाम है याद कर लेना। हाँ जी आगे देखो नेक्स्ट खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम सो so, भारत की सरकार को ऐसा लगा कि हम सिर्फ क्रिकेट ही देखते हैं क्रिकेट पे फोकस करते हैं बाकी स्पोर्ट बेचारे एकदम <coughs> यू you नो know, पड़ोसी के बच्चे टाइप उनको फीलिंग आती है सो so, उन्हें प्रमोट करने के लिए बाकी के स्पोर्ट्स को और बढ़ावा देने के लिए बिकॉज इंडिया में इतनी आबादी इतना पोटेंशियल है स्पोर्ट में तो उसे और प्रमोट करने के लिए यूथ को एनकरेज करने के लिए ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम आ, इसका मेन पर्पस क्या है कि हम लोग बाकी स्पोर्ट पे भी फोकस करें एंड वी बिकम द लीडर्स इन वॉट एवर काइंड स्पोर्ट्स वी एक्चुअली प्ले है ना देखो सर टू रिवाइव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट अ ग्रास रूट लेवल बाय बिल्डिंग अ स्ट्रॉग फ्रेमवर्क फॉर ऑल स्पोर्ट्स प्लेड इन एनी कंट्री इन आर कंट्री इन एस्टैब्लिश इंडिया एज अ ग्रेट स्पोर्टिंग नेशन है ना हाँ जी सो दैट्स द खेलो इंडिया यूथ गेम प्रोग्राम आगे इसमें सिर्फ हेडिंग पढ़ना ये जो कपिल देव वाला है ना सिर्फ हेडिंग पढ़ना बाकी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं मतलब नीचे पढ़ोगे तो सेम कहानी सेम कंक्लूजन आएगा बस ये हेडिंग देख लो कपिल देव टू बी द फर्स्ट चांसलर ऑफ राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी फुल स्टॉप काफ़ी है अब नीचे पूरी कहानी पे अगर आप पढ़ोगे ना उसका मतलब सेम ही आएगा सेम कहानी दी हुई देखो भाई हरियाणा स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनिल विज हैड अप्रूव्ड द प्रपोजल टू अपग्रेड द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑन 14 सितंबर 2019 एट सोनीपत द स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा विल बी द थर्ड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन द कंट्री आफ्टर स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन तमिलनाडु फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी चेन्नई क्या सेंस निकला कुछ भी नहीं सो कपिल देव फर्स्ट चांसलर बनेंगे है राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दैट्स इट बस इतना ही ध्यान रखना है ओके सी द नेक्स्ट हेट पी वी सिंधु वन गोल्ड है ना इसके बारे में बहुत बात हुई थी मोदी जी ने भी ट्वीट किया था फिर आ, उन्हें अवार्ड मिले भारत में हर जगह उन्हें रिकॉग्निशन मिला कि भाई पी वी सिंधु यहां पे पी लिख लेना प्लीज शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू वन इवन द बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स और उन्होंने हराया कि इसको जापान की नोजोमी ओकुहारा ये तो नाम से ही हार गई है नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है और ट्वेंटी वन सेवन ट्वेंटी वन सेट के जबरदस्त सेट के डिफरेंस हराया एंड इन जस्ट थर्टी एट मिनट्स कब पच्चीस अगस्त दो हजार उन्नीस को पी वी सिंधु फर्स्ट वीमेन टू वन बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्पोर्ट है ना ये अभी तक आप जो भी कहानी पढ़ रहे थे सुन रहे थे दिस वॉज अबाउट स्पोर्ट अब आगे हम लोग देखते हैं लैंग्वेजेस के बारे में <laughs> अच्छा हमने एक काम करते हैं ना थोड़ा सा लैंग्वेजेस का मैं टॉपिक चेंज करता हूँ बिकॉज आप इतना सारा भी लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे ना तो घबरा जाओगे बिकॉज स्पोर्ट्स का भी पढ़ा आपने आज आ, उसके पहले बुक्स का पढ़ा फिर लैंग्वेज वापस एक बड़ा टॉपिक है सो लेट्स लीव अ साइड लैंग्वेज है ना उसके बाद ये अरे यार ये तो बहुत ही बच्चों वाला है यार ये मैं नहीं पढ़ाने वाला तुमको है ना नेशनल फ्लैग सर ट्राई कलर ही क्यों है सर फोर कलर क्यों नहीं है डस ले अपने आप को तो ये लैंग्वेज वाला पार्ट अपन कल देखेंगे है ना उसके पहले मैं थोड़ा सा लाइट पार्ट ले लेता हूं सो दैट एटलीस्ट आप इतना एक दिन में बर्दाश्त कर पाओ डाइजेस्ट कर पाओ नहीं तो एक साथ बहुत सारा है तो, तो उल्टी करोगे तुम तो ये तो कुछ नेशनल सिंबल्स है सबसे पहले नेशनल फ्लैग है ना इट्स अ ट्राई कलर नेशनल फ्लैग विथ अशोका चक्र एट द सेंटर धर्मचक्र बोलते हैं जिसे हम लोग और तीन कलर्स क्या इंडिकेट करते हैं देखो जरा द टॉप सेफरिन कलर इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ एंड करेज ऑफ द कंट्री द वाइट इंडिकेट्स पीस एंड ट्रूथ विथ धर्मच द ग्रीन शोज द फर्टिलिटी ग्रोथ एंड ऑस्पिशियसनेस ऑफ द लैंड सो इट्स अ ट्राई कलर नेशनल फ्लैग चौबीस स्पोक्स है उसके अंदर बीच में है न चौबीस डंडिया हैं राइट बस यार दैट्स इट कब इसको अडॉप्ट किया ये डेट इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के हिसाब से इम्पोर्टेंट है ऑन ट्वेंटी सेकेंड ऑफ जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन इसको हमने अडॉप्ट किया था एस नेशनल फ्लैग नेशनल करेंसी ये नया साइन आया ब्यूटीफुल यार आई लव इट मतलब बहुत ही अमेजिंग लगता है मेरे को हिंदी भी आ गया रबी आ गया करेंसी का साइन भी आ गया इसके अंदर वेरी नाइसली डन सो देखो न्यू सिंबल वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन एंड स्टार्ट सर्कुलेशन ऑन 8th ऑफ जुलाई टू थाउजेंड एलेवन आठ जुलाई दो हज़ार ग्यारह से ये रुपी का साइन सर्कुलेशन में आ गया नेशनल एम्बलम चार शेयर हैं स्वदेश अगर आपने देखी होगी तो उसमें पहले शाहरुख खान खुद अपनी बेजती करवाता है क्लास में बच्चों के सामने और फिर हीरोइन को पटाने के लिए पूरा आ, बेसिकली नेशनल एम्बलम के बारे में स्टेट एम्बलम के बारे में बात करता है और फिर पूरी बताता है कि तीन शेयर नहीं चार शेयर है नीचे ये है बीच में ये है ऐसे ऐसे करके पूरा बताता है अगर आपने मूवी देखी हो आपको अगर कुछ ध्यान हो तो सो दैट दैट्स नेशनल एम्बलम बेसिकली ड्रॉन फ्रॉम अशोक स्तंभ है ना? तो ये आपका नेशनल एम्बलम है उसके बाद नेशनल बर्ड पीकॉक इट इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड कोविड के टाइम जब लॉकडाउन हुआ था पहले लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों ने विचित्र विचित्र तरीके के फ़ोटो डाले थे कि हमने रोड पे शेर को देखा सांप को देखा पशु पक्षियों को देखा ऐसे ऐसे जानवर थे जो जंगल में छुपे रहते थे इंसान के डर से सब निकल निकल के बाहर आ गए और लोग फोटो वोटो खींच रहे थे कुछ टुकड़ लोग तो ऐसे बालकनी में खड़े हुए हैं पीछे ऐसे कोई मोर दिख रहा है यहाँ से सेल्फी मोर वहाँ से दो सौ मीटर दूर है सेल्फी खींच रहे हैं उनकी इतनी नाक के साइड का इधर की मिस् दिख रही हो पीछे मोर दिख रहा है जो इमेजिन करना पड़ रहा है कि वो मोर है क्योंकि नीचे उसने लिखा हुआ है कि मोर है ऐसे ऐसे करके फोटो डालते थे लोग है ना आपने बहुत देखा होगा सो या दैट्स इंडियन पीकॉक इंडियन पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ दिस कंट्री अच्छा अभी पीकॉक का ना डिस्क्रिप्शन दिया है मेरे को पीकॉक के बारे में पता है कि वो नेशनल बर्ड है ये जो इतना सारा दिया है ना ये तुम पढ़ लेना भाई देखो क्या लिखा है

The female is brownish, slightly smaller than the male and lacks the tail. Oh my God, so much missing man. So that's the national bird. ये है अपना national animal, tiger. कुछ लोग बोलते हैं sir lion है, कुछ बोलते चीता है. Thank God, तुमने ये नहीं बोला गधा गोड़ा भी है साला. So that's the national animal है ना tiger. ये सब कैसे मैसेज में आएगा और यूमेंट एम में आएगा मैम एम इसके ऊपर भी है अगर आप वो बुक देखेंगे ना उसमें हर चीज़ के ऊपर एम सी क्यू है सो द मैग्निफिसेंट टाइग्राफ पैंथरा टाइगर इज अ स्ट्राइप्ड एनिमल है ना सो so, ये अपना नेशनल एनिमल है आगे देखो नेशनल फ्लावर लोटस कुछ लोग ससुराल गेंदा फूल नहीं है, है ना लोटस ये अपना नेशनल फ्लावर है Uh, देखो जरा करंटली अवेलेबल डेटा प्लेस इंडिया इन द टेंथ पोजिशन इन द वर्ल्ड एंड फोर्थ इन एशिया इन प्लांट डाइवर्सिटी इतने अलग अलग विचित्र विचित्र तरीके के प्लांट है भारत में हाँ भाई अच्छा अब बस ये ओलंपिक सिंपल लास्ट पढ़ लो दैट्स इट और अवार्ड्स ऑनर और वो पीछे अपना जो एक टॉपिक छोड़ा हुआ था मैं आपको कल पढ़ा दूंगा ओलंपिक सिंगल सिंपल इसमें सिर्फ ये इमेज जो दी है ना बस ये देख लो पांच कॉन्टिनेंट्स पांच पांच रिंग्स, कॉन्टिनेंट्स, है ना? बस यही दिया है पे, देखो जरा। लेफ्ट टू तो राइट, ब्लू, येलो, ब्लैक ग्रीन और रेड ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन और रेड ये पांच आपके ओलंपिक रिंग्स हैं पांच कॉन्टिनेंट्स है और उसको रिंग फॉर्म में कनेक्ट करके बताया है उसका पर्पज क्या है द वर्ल्ड इज वन यूनाइटेड टुगेदर बस यही इसमें इंडिकेट किया है और ये दूसरा ओलंपिक का चित्र है जो आप जब ओलंपिक चलते हैं तो वो दिखाते हैं ऐसे सब एक्शन में आते हैं एक एक करके बॉक्स बनता है और एक्शन में आते रहते हैं ऐसा आपने देखा जरूर होगा बस दैट्स इट बाकी का कल पढ़ लेंगे सो होपफुली परसों लैंग्वेजेस और अवार्ड कल आपके खत्म हो जाएंगे या yeah. कल एन एट मैक्स परसों अपना पोर्शन कंप्लीट सौ परसेंट कंप्लीट इनफैक्ट कल अगर मेरे को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिला जो कि संभव है तो 99 परसेंट मैं कल ही आपका पोर्शन कंप्लीट करवा दूंगा हो जाएगा ठीक है मिनिस्टर के नाम देख लें लो भाई बीस तक हो गए थे उन्नीस तक हो गए थे ना आगे देख लो संजय श्यामराव धोत्रे धोत्रे साहब क्या करते हैं ही इज गॉट स्टेट मिनिस्ट्रीज पढ़ रहे हैं हम लोग एच आर डी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो जो सेंटर में कैबिनेट मिनिस्ट्री रविशंकर प्रसाद के पास है वो स्टेट में ये सब धोत्री जी के पास है है ना ये पहले मिनिस्टर है आप जानते हो कटरीना जी तो शादी क्यों नहीं की सर शी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इन गेटिंग रेडी सर उनको मेकअप करने में बहुत टाइम लगता है और अगर मैं इतना टाइम रोज उनके लिए इंतजार करूँगा तो सर मैं सो जाऊँगा तो अगर मैं सो गया तो फिर कटरीना जी भी नाराज़ होकर अकेले करवट बदल के दूसरे साइड मुँह करके सो जाएगी सर तो मतलब नहीं सर लाइफ में देट इज़ फाई मैंने डिसाइड किया कि मैं उनसे शादी नहीं करूँ हाँ ई e बुलेटिन के एम सी क्यूज अब वो तो पढ़ लो भाई ई बुलेटिन के एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा तुमको एमसीक्यू तो तुमको ही पढ़ने ना पूरा सिलेबस तो करवा दिया माना कि सफ़र मुश्किल है उससे सीएसके सी एस के टाइटल तक माना कि सफर मुश्किल है उस सी एस के टाइटल तक मगर हम नहीं हार नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए अंत तक वाह 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 वा। शर्मा जी क्या खूब लिखे हो आह पूरा जान लगा देंगे सुबह से लेके शाम तक मगर हम हार ना मानेंगे इसलिए क्या खूब कहा है आ आहा, आहा। हा so, पहले मिनिस्टर शी इज वेटिंग आई नो बट आई हैव टू हर नाउ वेरी सीरियस अनुराग सिंह ठाकुर इनके पास स्मार्ट सा बंदा एकदम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ये एक तरीके से ट्रांसलेट भी करते हैं जो निर्मला सीतारामन जी इंग्लिश में बोल के चली जाती है जनता को समझ में नहीं आता तो उसको बाद में उसका हिंदी में शुद्ध उच्चारण करके अनुराग सिंह ठाकुर अपनी स्पीच आगे लेकर जाते हैं सो हीज द हीज़ गॉट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉपरेट अफेयर्स एट स्टेट फिर अंगाड़ी सुरेश चन्ना बसप्पा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज थोड़ा सा छोटा नाम है तो ये आप याद कर लेना मिनिस्ट्री जैसे रेल एकदम लंबी सी होती बड़ी सी तो वैसे इतना बड़ा नाम जब आपको दिखे तो उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है अंगाड़ी सुरेश चन्ना बसप्पा आगे एंड फोर्थ नित्यानंद राय होम अफेयर्स नित्यानंद राय होम अफेयर्स दैट्स इट आज के लिए काफी भाइयों बहनों वेर कैन आई फी फाइंड ई बुलेटिन वेरी गुड क्वेश्चन वेरी गुड ई बुलेटिन सर आपको आईसीएसआई की वेबसाइट पे मिलेगी कैसी बातें कर रहे हो चलो भाई बाकी कल कंटिन्यू करेंगे कोशिश करते हैं कल पोर्शन कंप्लीट करने की अगर कल हो गया तो बेस्ट है आप आज़ाद थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस प्लीज टेक केयर बाय बाय। अलविदा